हेलो एवरीवन तो मैं हूं आपका दोस्त आपका हमसफ़र आपका साथी आपका लीगल एडवाइज़र एडवोकेट तुलसी राम सिंह स्वागत है मेरे लीगल टॉपिक वीडियो में और आज सबसे पहले आप लोगों को ये इन्फॉर्म करते हुए अच्छा लग रहा है खुशी हो रही है कि आज 26 जनवरी है तो 26 जनवरी आप लोग अपने घर पर इंजॉय करें स्कूल कॉलेज ऑफिस में इंजॉय करें और शांतिपूर्वक यह त्यौहार मनाएं राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और आनंदित होकर मनाएं साथ में मैं कहना चाहूँगा अपने देश अपने तिरंगा का सम्मान करें और अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका भी सम्मान करें तो दोस्तों जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दिल्ली हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जो इसी महीने का है 2000 जनवरी 2023 का ही है जो आप लोगों के सोच में आप लोगों को काफ़ी बदलेगा और आप लोगों की जो लीगल नॉलेज है उसको इनहेंस करेगा तो शुरू करते हैं देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के उन मामलों के संबंध में जांच अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जहां पीड़ित महिला या पीड़ित पीड़िता मेडिकल जांच के बाद गर्भवती पाई जाती है अगर तो क्या होना होगा तो जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने निर्देश दिया कि यौन उत्पीड़ित की मतलब जो उत्पीड़न की जो भी महिला है ठीक है मेडिकल जांच के समय यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना अनिवार्य होगा अदालत ने आगे कहा कि अगर पीड़िता जो बालिग है और यौन उत्पीड़न के कारण गर्भवती पाई जाती है तो गर्भपात कराना चाहती है तो जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसे उसी दिन मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए जहां एक नाबालिग पीड़िता यौन हमले के कारण गर्भवती हो रही है अदालत ने निर्देश दिया कि उसे उसके कानूनी अभिभावक की सहमति पर और गर्भपात को समाप्त करने के लिए ऐसे कानूनी अभिभावक की इच्छा पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा यह जी गाइडलाइन आई हुई है अदालत को बताया गया कि दिल्ली के चार अस्पतालों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल सफदरजंग अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन किया था इन इन सभी तीनों हॉस्पिटल से लिए गए थे एक बोर्ड जो बनाया गया था कमेटी बनाई गई थी इन तीनों हॉस्पिटल के सदस्य थे उसमें कोर्ट ने आगे कहा अगर इस तरह के बोर्ड द्वारा किसी नाबालिग पीड़िता की जांच की जाती है तो उचित रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों के सामने रखी जाएगी ताकि अगर न्यायालय से गर्भपात को समाप्त करने के संबंध में कोई आदेश मांगा जा रहा है तो संबंधित न्यायालय को और अधिक समय नहीं गंवाना पड़ेगा और वह संकट में उसी पर शीघ्र से आदेश पारित करने की स्थिति में होगा और इस कर सकता है अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक जिले के अस्पताल में मेडिकल बोर्ड उपलब्ध नहीं है जिससे जांच अधिकारियों के साथ साथ पीड़िता को भी असुविधा हो रही है जस्टिस शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार मतलब केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एम अधिनियम के तहत शासनादेश का अनुपालन किया जाए और ऐसे बोर्डों का गठन उचित एम के केंद्रों पर वाले सभी अधिकार सरकारी अस्पतालों में किया जाए पीठ ने यह भी कहा कि कहा कि ऐसे बोर्डों का गठन पहले से होना अनिवार्य होना चाहिए अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी दो महीने के वितरण निर्देशों का पालन को साझा करने का निर्देश दिया अदालत ने चौदह साल की नाबालिग बलात्कार पीड़िता को चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति देते हुए निर्देश पारित किया कि अदालत में पेश किए जाने पर वह पच्चीस सप्ताह की गर्भवती थी उसके परिवार के सदस्य सर्... निर्माण श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना यानी कि जब माँ ने खुद में शारीरिक परिवर्तन देखा तो नाबालिग पीड़िता ने यौन उत्पीड़न के बारे में उसे बताया बाद में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा छिहत्तर और तीन यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई उन्नीस जनवरी को हुई पीड़िता के मेडिकल टेस्ट से पता चला कि वह चौबीस सप्ताह और पाँच दिन की गर्भवती थी नाबालिग द्वारा गर्भपात कराने की मांग करने के बाद अदालत में जाने के बाद एक छः सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया जिसने कहा कि पीड़िता एमटीपी से गुजरने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से फिट है नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देते हुए अदालत ने मेडिकल बोर्ड द्वारा टेस्ट आयोजित करने और उसकी रिपोर्ट एक दिन के भीतर प्रदान करने के लिए प्रदान पर, की गई सहायता की सराहना की कोर्ट ने कहा यह या कोर्ट याचिकाकर्ता के साथ साथ अदालत की सहायता के लिए राज्य के विद्वानों के प्रयासों की सराहना कर, करती है जांच अधिकारी के प्रयास और जिस मुस्तैदी से उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता की चिकित्सीय जांच कराई है वह बहुत प्रशंसनीय है मतलब प्रशंसा योग्य है बहुत अच्छा काम किया गया है तो और ये जो केस का नाम है वो है माइनर आर थ्री मदरस एच बनाम स्टेट एन सिटी ऑफ दिल्ली तो इससे आप लोगों को ये समझ मिलता है जो नई गाइडलाइन है इससे आप लोगों का लीगल नॉलेज जो इनहेंस होगा मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ एक नई सोच के साथ तब तक के लिए जय हिंद हैप्पी रिपब्लिक डे